ममिता मेहर हत्याकांडरे मंत्रीकर कोनोसी संपर्क नाही बोली परोक्षरे पुलिस कहिछि। ममिता हत्याकांडरे केवल दुई जण ही दोषी, जेउ दुई जणको गिरफ्त करा जाइछि बोली कहिछन्ते उत्तरांचल डीआईजी दीपक कुमार। तेबे ममिता मेहरकर मृतदेह को डीएनए परीक्षा पई पठा जाइछि। एभरि संवेदनशील मामलार विचार फास्ट ट्रैक कोर्टरे करबाकु चेष्टा करा जाउछि बोली डीआईजी कहिछन्ते। मामलार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू पुलिस आगरे सबु दोष स्वीकार करिछि। आवश्यक स्थले अभियुक्त राधिकु रिमांड राणी पचराउचरा करा जिवो। एपटे मोबाइल को नहीं उठिथिबा संदेह उपरे डीआईजी कहिछन्ती ममितांक सह तांको मोबाइल को गोविंद जाली दैछि। स्टेडियम रो मिलिथिबा मोबाइल रो किछि अंश को फोरेंसिक ल्याब को पठा जाइछि। सेपरि ब्याग को नहीं उठिथिबा विवाद उपरे उत्तर रखि डीआईजी कहिछन्ती दुईटी ब्याग आमर हस्तगत होइछि, गोटी क्राइम स्पॉट रो मिलिथिबा बले अन्यटी राधिकु स्त्री पुलिस को देथिला। राधिकु स्त्री देथिबा ब्याग रो मिलिथिबा मोबाइल रो सेपरि किछि तथ्य मिले नै हेले परीक्षा पई उक्त मोबाइल को मध्य फोरेंसिक ल्याब को पठा जाइछि। तबे पुलिस हाथ कौन प्रमाण लगे से संपर्क में डीआईजी किसी सूचना दे नथिबा बले ट्रायल समय से सब उपस्थापन करा जइबो बोली से कहिछन्ते। नंबर 1 एविडेंस जो डिमोंस्ट्रेट हो से ट्रायल के टाइम रे हो। सुप्रीम कोर्ट भी कही छी आरुषी हत्याकांड पर कि डे टू डे इन्वेस्टिगेशन की जिनसोटा इनकी बाहर को आसी बार नहीं कि एडवर्सरी इफेक्ट द ट्रायल प्रोसेस। नंबर 1। नंबर 2 एविडेंस एग्जीबिशन एंड एविडेंस का एप्रिसिएशन तार एडमिसिबिलिटी ऊपर जो प्रेशर चेन ऑफ कस्टडी से ट्रायल बाउंड्री तो हमें कही छी कि ए मोबाइल फोन टाइम अपन पचार छथि बिलोंग्स टू समबडी व्हिच इज नोन टू हिम इन द इंस्टीट्यूशन से पुलिस से जिनसोकु वेरीफाई करछि प्राइमा फेसी। आई एम सेइंग प्राइमा फेसी से मोबाइल रे किछि इंक्रिमिनेटिंग जिनसो नाही, तथापि भी आमे ताकु सीज करिछि। सीज करला परे पुलिस ताकु देखि पारिबो नै बिकॉज से फोरेंसिक को पठाया जइबो। चेन ऑफ कस्टडी हमारे पास बहुत इंपोर्टेंट अछि तो से हमें से जिनसोटा हमें वेरीफाई कर